नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सुहागी घाटी में बीती देर रात हुए भीषण बस सड़क हादसे में घायलों का हालचाल जाने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सतना से रीवा आ सकते हैं। उनके आगमन की संभावना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सीएम के अस्पताल तक पहुंचने के लिए रूट चार्ट भी तैयार किया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं की है और न ही सीएम का कोई शासकीय कार्यक्रम आया है। वहीं पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक राजन शुक्ला संजय गांधी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, साथ ही उनके उपचार की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। लोगों के ऑपरेशन जिनके होंगे उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रशासन इनको इनके घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेगा। मैं आपको बता दें, बीती देर रात तकरीबन 11:15 में रीवा जिले के सुहागी घाटी में हैदराबाद से लखनऊ जा रही बस ट्रेलर से टकरा जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 35 से ज्यादा यात्री घायल है। ज्यादातर घायल यात्रियों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, जहां से कई लोगों को छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी द्वारा इन सभी को घर तक पहुंचाने के लिए 7 एम्बुलेंस और 4 बसों का इंतजाम किया गया है, जिसके माध्यम से घायलों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का सतना जिले में कार्यक्रम है, जिसके चलते ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होने से पहले या बाद में रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंच सकते हैं, जहां घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इस संभावना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है। ये नहीं सर, ये जिला गोंडा बस्ती बल्लामपुर है, इधर है। हाँ, हैदराबाद में लोग काम करते थे, वहां से आ रहे सर। ये सुहागी में दुर्घटना हुई थी, इसमें जो घायल लोग हैं उसमें से 18 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हीं को देखने में आया हुआ था, जिसमें कि करीब 8 हैं ऑर्थोपेडिक्स में, बाकी सर्जरी में हैं। और बड़ी दुखद घटना रही है, क्योंकि 15 लोगों की मृत्यु हो गई, 14 तो स्पॉट पे मृत्यु हो गई, और एक यहाँ जब लाया गया था तो वो ब्रॉड डेड ही थे। और टोटल 40 लोग लाए गए थे, जिसमें से कि अब 18 बचे हैं, बाकी लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। ये बेचारे सभी हैदराबाद में नौकरी करते थे और दीपावली में अपने घर जा रहे थे, गोरखपुर के आसपास के लोग हैं, और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई कि घर नहीं पहुंच पाए 15 लोग, और बाकी लोग यहां पर एडमिट हैं। यहां प्रशासन और अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूरी तन्मयता के साथ इनके इलाज में लगा हुआ है, और डॉक्टरों का ये कहना है कि खतरे से बाहर हैं और इनको वो ठीक कर लेंगे। आर्थिक सहायता के लिए, मुख्यमंत्री जी जल्द ही इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर घोषणा करेंगे।